राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए दो प्रमुख उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में हैं और मतदान से पहले दोनों ही उम्मीदवारों की हलचलें बढ़ी हुई हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और 21 जुलाई को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले दोनों ही उम्मीदवार काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ में विपक्षी पार्टियों के विधायकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में यशवंत सिन्हा लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और अपनी जीत के लिए विधायकों से राजधानी लखनऊ में समर्थन मांगेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और यशवंत सिन्हा की औपचारिक मुलाकात होने वाली है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई है। इस औपचारिक बैठक में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ निर्वाचित विधायक भी मौजूद रह सकते हैं। बैठक में सपा विधायकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी विधायकों के साथ यशवंत सिन्हा समर्थन मांगेंगे। वहीं बैठक के बाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय में अखिलेश यादव और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब हो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी 8 जुलाई को लखनऊ का दौरा करने वाली हैं, लेकिन यहां देश की बागडोर लेने की होड़ में दोनों ही प्रत्याशियों के बीच सीधी तौर पे टक्कर दिखाई दे रही है। यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू से पहले ही लखनऊ में अपने लिए समर्थन मांगने पहुंच रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यशवंत सिन्हा चुनाव के लिए सभी को अपने पाले में लेने के लिए हर दिन मेहनत करने में लगे हैं। बुधवार को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। साफ तौर पर इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी से नाराज चल रहे शरद पवार हो सकता है यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दे दें। माना जा रहा है कि ये मुलाकात चुनाव अभियान को मजबूत करने के लिहाज से की गई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े यशवंत सिन्हा ने इस बीच काफी नेताओं से मुलाकात करके अपने लिए समर्थन मांगा है। चुनाव में जीत की दावेदारी ठोकते हुए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि देश को एक खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, देश को पद की शोभा बढ़ाने वाले राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, देश के लिए कर्तव्य निभाना जरूरी है। इतिहास से पर्दा उठाते हुए यशवंत सिन्हा का कहना है कि पहले भी देश को काफी खामोश रहने वाले और पद की शोभा बढ़ाने वाले राष्ट्रपति मिल चुके हैं, पूर्व में रहे राष्ट्रपति अपना कर्तव्य निभाने में असफल हुए हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और 21 जुलाई को मतगणना होनी है, जिसके बाद ये साफ होगा कि देश के सर्वोच्च पद की बागडोर किसके हाथ होगी और कौन खाली हाथ लौटेगा। वीडियो डेस्क amarjala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।